हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। एक भाई का कमेंट आया था कि डॉक्टर साहब, हम लीवर 52 को काला पीलिया में यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे लगा कि इसको लेके इसके लिए वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग गलत तरीके से मेडिसिन यूज़ करते हैं, यूजलेस होती हैं, कोई उनका फ़ायदा नहीं लगता है। तो जनरली आप जानते हैं लीवर 52 क्या होता है, एक हिमालय कंपनी का सिरप है या फिर टैबलेट्स हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही हैं, जो कि हमारी लीवर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब वो लीवर के अंदर छोटी प्रॉब्लम से लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक ही हो सकती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं काला पीलिया क्या होता है। ठीक है, काला पीलिया एक वायरस की डिजीज होती है, जो कि लीवर का वायरस हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो वायरस है सीधा डायरेक्टली अटैक करता है लीवर पे और इससे हमारा लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस सी को हम बोलते हैं कि काला पीलिया हो गया। अब पेशेंट को इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। एक होता है कि थोड़े सिम्टम्स नहीं आए हैं, एक पेशेंट होते हैं कि सीवियर वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। पेशेंट का बिलिरुबिन काफ़ी ज़्यादा हाई है, पेशेंट का वेट लॉस हो गया है, पेशेंट को हिपेटोमिगली बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब लीवर पे सूजन आ गई है और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ठीक है, तो ये हिपेटाइटिस सी है, कोई हल्की सी बीमारी नहीं है कि आप कोई सा भी एक टॉनिक लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने जाँच कराई थी, हमें जो है हिपेटाइटिस प्लस आ रहा था, मतलब हमें पॉजिटिव आ रहा था, उसके बाद में हमने जो है जाके मेडिकल से लीवर 52 लेना शुरू किया, मैंने इसकी 6 शीशी पी ली है, मुझे आराम नहीं हुआ। तो आप खुद सोचिए, ऐसे पेशेंट्स ठीक होते हैं या फिर उनकी कंडीशन वर्स होती है, मतलब बढ़ती है। तो दोस्तों, सिंपली मैं यही कहना चाहता हूं कि आप एक बड़ी बीमारी के सामने इस तरह के सिरप इस्तेमाल करेंगे बिना डॉक्टर के परामर्श से, तो आपको ये प्रॉब्लम होनी होनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब सिरप है, लेकिन आप देखिए कि लीवर 52 एक जनरली नॉर्मल आयुर्वेदिक सिरप है और जो दूसरी बीमारी है वो काफ़ी खतरनाक वायरस की बीमारी है, जो कि जल्दी से नेगेटिव नहीं होती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट के अंदर रहती है। वो फीवर तो है नहीं कि मेडिसिन खाई और जो अगले दिन कंडीशन ठीक हो गई, वो इंक्यूबेशन पीरियड उनके 6-6 महीने के होते हैं, तो आपकी बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो जाएगी, जबकि अच्छी अच्छी मेडिसन्स, एंटीवायरल मेडिसन्स उसमें चलने जरूरी होती हैं, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स, काफ़ी गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो पेट रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनके अंडर में जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए इस तरह की कंडीशन का। पहली चीज़ ये थी। सेकेंड, अगर आप लीवर का टॉनिक लेना चाहते हैं, हेपेटाइटिस सी आपको है तो आप ले सकते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, आप लीवर 52 का सिरप ले सकते हैं, टैबलेट भी ले सकते हैं या और कोई अदर सिरप भी ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन लेनी होगी, कोई भी का मीन्स कि आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करके आपको मेडिसिन लेनी होगी। हेपेटाइटिस सी काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए, इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज जो है इससे लीवर काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। और एक बार जब लीवर की सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो उनकी रिकवरी होना काफी मुश्किल होता है, तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ रहा है तो आप जनरली डॉक्टर के पास जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उनके टच में रहिए, लगभग 3 महीने 6 महीने जितना भी आपको ट्रीटमेंट बताते हैं उसको ट्रीटमेंट को आप पूरा कीजिए। ठीक है, आप साथ में कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, जैसे लीवर 52 ले लिया आपने या और कोई लीवर का सिरप लेना चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, वो हेल्प ही करेगा, लेकिन आप अकेले सिरप को यूज़ करेंगे इस बीमारी के सामने तो दोस्तों ऐसे बात नहीं बनती है। ठीक है, आप समझिए। अब ये होता है कि जी डॉक्टर साहब, उसको पी लिया था, वो ठीक हो गया था लीवर 52 से, इसलिए हमने यूज़ कर लिया। तो पी लिया, आप जनरली सोचिए किसी का बिलिरुबिन 2 है, ओनली 2 है, और उसको हाल फिलहाल में कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आई हुई है लीवर पर, तो जनरली एक दो अगर लीवर 52 के सिरप पी लेगा या एक सिरप भी पी लेगा वो लीवर का, तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन जहाँ बात हेपेटाइटिस सी की हो रही है तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जैसे मैंने आपको बताया, आप इसी तरीके से इसको फॉलो कीजिए, आप मिस्टेक मत कीजिए, लीवर का मामला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का लीवर है। तो दोस्तों, आई होप जो चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।